गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड यार पता, सबसे सुंदर जो मुझे लगा ना, देखा आपकी शादी हुई, यहाँ पे पूरा मंडप सजा रखा था और इतना हैवी वाला मंडप है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ा पुराना हो गया बट जब लगा होगा ना शादी के टाइम, बहुत सुंदर लग रहा होगा। बाकी अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं आदि योगी। ऐसे सपना था कि आदि योगी तब जाना ही जाना है एक बार, बस अब कब जाएंगे वो नहीं पता था। अब यहाँ का आया कि हमें यहाँ पे आना था, हमने कहा क्यों ना मौके पे चौका मार के आदि होके चला जाए। तो अभी हम जा रहे हैं, भैया का वेट कर रहे हैं, विकास भैया का। सुबह रेडी हो गए थे, मैं 6:30 बजे जग गई थी, मैं नहाई धोई और अभी टाइम कितना हो रहा है, 8:30 हो चुके हैं और मौसम इतना सुहाना है, इतना सुहाना। भैया ने हमारी ट्रिक आजमाई आज भैया ने बोला कि मैं गली के बाहर आ चुका, हम होटल के बाहर आए खड़ा है तो भैया आए नहीं है। मतलब जितने हमारे साथ लोग रहते ना, उन लोगों ने यही करना शुरू कर दिया है कि 10 मिनट में आ गए, कि हम लोग 10-10 मिनट बोल बोल के ना 1.5-2 घंटा आराम से खींच लेते हैं। 10 मिनट आ गए बस, होटल के बाहर है, होटल के नीचे है, ऐसा कर करके तो इनको पता चल गया। तो मौसम है सुहाना, मौसम इतना खराब हो गया, पहले कितना सुंदर था और मुझे नींद भी आई थी तो मैं सो गई क्योंकि इतनी धूप में। और हम लोग ना गाँव के अंदर आ गए, मतलब लोकेशन में ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ से हम एक गांव के अंदर घुसे हैं जहाँ से आदि योगी आएंगे। ओ हम पहाड़ों में हैं, देखो कितनी सुंदर अगला लोकेशन है, बहुत सुंदर सच में यार, लोकेशन बहुत प्यारी है यहाँ। गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ बाबा के सामने, मैं मतलब उनके नीचे खड़ी अभी, दूर से मैंने आपको दिखाया नहीं, आपको दिखाऊंगी। अब पता है मैंने यहाँ पे आके क्या चीजें अलग देखी, पहली चीज कि मुझे लगा था हमारा ना कुछ लाइक मोटे रस्ते के किसी चीज़ की बना रखी, बट ये पूरे के पूरे रुद्राक्ष है और इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सारे हैं, मतलब वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक है। दूसरा मैंने कान के कुंडल देखे आज, क्योंकि फोटो में इतने डिटेल से दिखता नहीं है बट स्टिल वहाँ पर कितने सुंदर लग रहे हैं देखो। और तो यार क्या ही बताऊँ, मैं इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सो भाई इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब एक एक चीज ऐसे डिटेल माला देखी आपने, दूर से ऐसा लग रहा है। हाँ बट कितनी सुंदर माला है, कान के दूर से कान के ऐसे सच में बहुत सुंदर। और नंदी जी देखो ऐसे लग रहे हैं, तेल लगा रखा होगा। हम मंदिर जा रहे हैं महादेव जी के, शायद पूजा में जा रहे थे और अभी हम ऑन दी वे हैं। 2 घंटे तक का हमारा रास्ता था जो हमने क्लियर कर लिया है, आधा से सोते हुए आधा गाने सुनते हुए, अब सिर्फ 14 मिनट रह गए हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कहीं नहीं देखा, आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे 90 लाख सरस्वती, यानी कि 1 करोड़ के पास, ये देखो। और दिखा दी आपको बैक कैमरे से, बहुत सुंदर है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूजा करी, हम आगे जा रहे हैं और मैंने गजब लगा लिया था। और ये देखो शिवलिंग, दिखाती हूँ आपको, और नंदी ऊपर बैठे हैं सारे, बहुत सारे नंदी जी हैं, देखो शिवलिंग शिवलिंग हर जगह, मतलब सच में इधर देखो पूरे शिवलिंग है, पूरे जहाँ तक आपकी इस मंदिर में नजर जाएगी हर जगह आपको शिवलिंग दिखेंगे, नंदी जी और ये मंदिर अंदर। हर जगह हम लोगों ने पूजा कर ली है, मतलब बहुत सारे मंदिर के बीच में, लास्ट है हमारी ये सबसे बड़े शिवलिंग, सामने नंदी जी हैं जो कि बहुत 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 बड़े हैं शिवलिंग, बहुत बड़े, यहाँ पे दिया जलाते हैं। तो अभी हमने कर लिए हैं पूजा पूरी, भूख लग गई है, 3:30 हो रहा है, भूख लग गई है, तो गजरा कितना सुंदर लग रहा है मेरे को। और सब कुछ हमने कर लिया है पूजा वूजा, अब बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, जाएंगे शॉपिंग पे अगेन, कल भी शॉपिंग पे गए थे, आज भी शॉपिंग पे जाएंगे, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, क्योंकि जब आप बाहर आओ तो शॉपिंग करके जाओ। कल मैंने 9 ड्रेस ली थी जो कि बहुत सुंदर आई है, और आज हम जाएंगे हील्स एंड शूज़ लेने और कुछ खाने पीने, कल की हमारी वापसी की फ्लाइट है। ओके गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने उत्तराखंड, मच्छी मार्केट ना रखे लोगों ने, पूरे साल एंड अभी हम लोग लैंड कर चुके हैं, जाता है अमन आए लेने, 20 साल गया, मम्मी तो साथ में आई, अन्नू भी साथ में, यहाँ पे भैया आए थे लेने, लेने आए थे नहीं आए हैं। और क्या लाए हैं,
क्या लाए भैया? भैया कह रहे कि ब्लॉग बनाया जाए, मैं तुम्हारे कुछ लाया हूं। ओ माय गॉड, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे किंडर जॉय बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए लेके मैं आया था। वैसे एक और ले ले, पैसे इन्होंने दिए थे लेके मैं आया था। डोइमो दादा, मैं सोच कि और ही मिलेंगे। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक का था। अगर यहाँ से हम कहीं घूमने जाते तो मैं आपको बता दूंगी, अगर यहाँ से कहीं नहीं जाते हम घूमने तो मैं आपको बता दूंगी।